वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल ब्रेस्ट साइज के बारे में, छोटे स्तन आकार के समस्याओं के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट साइज क्यों नहीं बढ़ता है या ब्रेस्ट साइज छोटे होने के कारण कौन से होते हैं। साथ में हम ये भी बात करेंगे ब्रेस्ट साइज कैसे बढ़ाएं, कौन से घरेलू नुस्खे अपनाएं, क्या खाएं और उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, मतलब कौन सी एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट साइज बढ़ सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट साइज क्यों नहीं बढ़ता है या स्तन आकार छोटे होने के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है वो होता है हार्मोन की समस्याएं। ज़्यादातर महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उसमें मुख्यतः जो सबसे पहला हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, इसकी वजह से पीरियड समय पर आता है और ये क्या करता है, शारीरिक डेवलपमेंट में मदद करता है तथा ये ब्रेस्ट साइज के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। उसके अलावा दूसरा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का यदि लेवल अधिक हो जाता है तो इसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं और ब्रेस्ट साइज कम हो जाता है। उसके अलावा तीसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट साइज पर इम्पैक्ट पड़ता है। आइए हम बात करें कि कौन सी जाँच करवाएंगे, कौन से हार्मोन की जाँच करवाएंगे यदि आपका जो साइज है बढ़ता नहीं है। तो पहला जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी वजह से जैसा हमने बात करा कि पीरियड टाइम पर आता है नहीं आता, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा महिलाओं में शारीरिक डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट होता है या उनकी थाइस लेवल वगैरह होता है, उसके डेवलपमेंट में ये मदद करता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है, अगर इसका लेवल डिस्टर्ब होता है तो शरीर का विकास नहीं होता है। साथ में इसका लेवल अगर डिस्टर्ब होता है या ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कुंवारी लड़कियों में क्या होता है, दूध आने की जो समस्याएँ होती है, मिल्क सिक्रेशन की समस्या होती है, उसकी वजह से होता है। तीसरा होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों का हार्मोन होता है, बट यदि महिलाओं में इसका लेवल बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका शारीरिक डेवलपमेंट पुरुषों जैसा हो जाता है, मतलब महिलाओं जैसा नहीं रहता है। ब्रेस्ट साइज कम हो जाता है, चेहरे पर बाल आने लगते हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं और पीरियड समय पर नहीं आता तथा अन्य बहुत समस्याएँ होती है। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो आपको ये तीन हार्मोन की जांच जरूर करवानी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरा कौन सा कारण होता है। दूसरा होता है जिन महिलाओं का वजन कम होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो सही से डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रेस्ट में भी मसल्स की ज़रूरत होती है और मसल की कमी की वजह से ब्रेस्ट साइज छोटा रह जाता है। तीसरा होता है डाइट। हम किस तरीके का खाना खाते हैं, मतलब अपनी डाइट में हम एस्ट्रोजन रिच जो डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ज़्यादातर महिलाओं को ये नहीं पता होता कि ईस्ट्रोजन रिच जो होती डाइट कौन सी होती है, उसके बारे हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। चौथा होता है जिन महिलाओं के पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब पीरियड समय पर नहीं आते हैं, उनमें हार्मोन समस्याएँ होती हैं जैसा हमने डिस्कस किया, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, उनका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसके अलावा पारिवारिक इतिहास, मतलब हिस्ट्री या जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यदि आपकी मदर्स का ब्रेस्ट सही से डेवलप नहीं हुआ है, कम है, तो आपका भी हो सकता है। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसा क्या होता है कि आपका जो हाइट है, आपका रंग है, आपकी आंखें वगैरह अपनी मदर के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरीके से ब्रेस्ट साइज भी मदर्स के ऊपर या फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा छठा जो कारण होता है गर्भावस्था या स्तनपान। इस कंडीशन में भी जो लोग गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं या स्तनपान नहीं कर पाते हैं, उनमें भी क्या होता है, ब्रेस्ट साइज जो होता है वो छोटा रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उन लोगों में प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता है जो गर्भावस्था या स्तनपान की कंडीशन में रिलीज होता है। सातवां होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है कि हार्मोन समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसकी वजह से ब्रेस्ट साइज कम या ज़्यादा हो सकता है। आठवां होता है एज। ये जो सब कुछ होता है, शारीरिक डेवलपमेंट और जो ब्रेस्ट साइज होता है, वो एज पर डिपेंड होता है। जैसे ही महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करती हैं, उनका ब्रेस्ट साइज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं, जैसे कि यदि किसी की ब्रेस्ट में ट्यूमर है, गांठ है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। या फिर जिन महिलाओं में टीवी की प्रॉब्लम होती है, ट्यूबरक्लोसिस की या क्षय रोग की प्रॉब्लम होती है, उनका भी ब्रेस्ट जो होता है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके अलावा एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो महिला एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, योगा वगैरह करती हैं, उनका साइज जो होता है प्रॉपर डेवलपमेंट होता है
और जो नहीं करते हैं उनमें क्या होता है, इसका प्रॉपर साइज डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यदि हम बात करें आप अपने स्तन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ब्रेस्ट साइज को कैसे बढ़ाएं, क्या खाएं, कौन से घरेलू नुस्खे अपनाएं, तो उसमें है यदि हम डाइट की बात करें तो आप अपनी डाइट में रोज़ाना एस्ट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको शामिल करें। कौन से किसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, जैसे कि सेब है, संतरा, आड़ू, पपीता, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, आप रोज़ाना कोई ना कोई एक फ्रूट इसमें से खा सकते हैं। दूसरा होता है कि जो नट्स वगैरह होते हैं जैसे अखरोट है, बादाम, खजूर, इनमें भी कोई ना कोई एक अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करें। उसके अलावा रोज़ाना दूध, दही या पनीर में से किसी एक चीज़ का सेवन ज़रूर करें और मेथी के बीज जिनको फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है रात को 10 से 15 जो इसके बीजे होते हैं एक गिलास पानी में डाल दीजिए और सुबह उसका पानी पी सकते हैं, ये भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा आप अपने खाने में जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोया मिल्क बेस ले सकते हैं, सोयाबीन की दाल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, अदरक वगैरह का सेवन करें, साथ में मूंगफली वगैरह आप ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के बीज भी आप रोज़ाना 40 से 50 आप खा सकते हैं, या आप चाहें दही के साथ खा सकते हैं या पानी के साथ पी सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोटीन रिच भी डाइट लीजिए, जैसे कि अंडा है, अंडे का जो वाइट पार्ट होता है, चिकन है, फिश है, उसके अलावा ग्रीन टी वगैरह भी आप ले सकते हैं। ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए आप हफ्ते में 2 दिन ब्रेस्ट की मालिश भी कर सकते हैं और आप हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज में आप जिम वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं और योगा की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कौन सी एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, मतलब स्मॉल ब्रेस्ट साइज को बड़ा करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, उसमें सबसे पहला जो होता है जो आप घर पर भी कर सकते हैं, वॉल पुशअप्स। आप दीवार पर अपने हाथ इस तरीके से रख के रोज़ाना कम से कम 40-50 बार ऐसा करेंगे, मतलब एक्सरसाइज लगभग 10 मिनट तक करेंगे, तो इससे काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। यही सेम एक्सरसाइज अगर आप चाहें जिसको नॉर्मल पुशअप बोलते हैं, यदि आप कर सकते हैं तो आप ये भी रोज़ाना कम से कम 20 से 25 बार ये करिए। उसके अलावा यदि आप चाहें तो अगर आपके घर में डंबल वगैरह हैं तो उसके ज़रिए आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यदि डंबल नहीं है तो आप उसके लिए एक ईंट वगैरह है या कोई पत्थर वगैरह है, उसको आप इस तरीके से होल्ड करके आप इस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये बेंच प्रेस एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं डंबल के ज़रिए, या फिर आपके घर में कोई इसी तरीके की वस्तु है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डंबल प्रेस में आप इस तरीके की बेंच प्रेस वाली एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं। जिम में क्या होता है, एक्सरसाइज बहुत कॉमन होती हैं, बट यदि आपके घर में डंबल हैं या आप किसी दूसरी चीज़ वस्तु से ईंट के ज़रिए, पत्थर के ज़रिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप ये रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसके अलावा आप इंक्लाइन बेंच प्रेस भी कर सकते हैं, या फिर आप डंबल फ्लाइज भी आप इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। आप डंबल फ्लाइज जो है वो बैठकर भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप जिम वगैरह जाते हैं तो जिम में चेस्ट प्रेस की जो एक्सरसाइज वगैरह होती है आप ज़्यादा करने से आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट जल्दी होगा। हो सके तो आप 2-3 महीने के लिए जिम ज़रूर ज्वाइन करें, इससे क्या होगा आपको एक्सरसाइज करना आ जाएगा और साथ साथ में ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी होगा। अब यदि हम बात करें कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे, यदि आपको कोई बीमारी है जैसा हमने डिस्कस किया या कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो उसके लिए कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे, तो उसके लिए बेस्ट है आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, महिला रोगी जो डॉक्टर हैं उनको आप मिल सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास में कोई सर्जन डॉक्टर है, सर्जरी वाले डॉक्टर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो हार्मोन संबंधी समस्या हो या दूसरी अन्य कोई प्रॉब्लम हो तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, या यदि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है या कुछ अन्य प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट सर्जरी की या कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको ब्रेस्ट सर्जन या प्लास्टिक सर्जन को रेफ़र कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।